हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन इन अ रेजिस्टिंग मीडियम फॉर अ डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि मोशन जो होती है वो अंडर डिफरेंट डिस्टेंस लॉ में हमने बात किया एक रेजिस्टिंग मीडियम के बारे में, रेजिस्टिंग मीडियम के बारे में बात करने वाले, रिपल्सन जो डिस्टेंस होती है ना, रिपल्सन के जो अंडर जो डिस्टेंस का जो डिफ्रैक्शन होता है उसमें वो कैसे होता है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया हमारे प्रीवियस वीडियोस में। एंड देन इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, उसके कैसे इफेक्ट करती है ग्रेविटी, वो भी हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया। अगर आप वो सारे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज डायनेमिक्स बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। सो बात करते हैं इन दिस वीडियो रेक्टिलिनियर मोशन इन अ रेजिस्टिंग मीडियम। एक रेजिस्टिंग मीडियम के लिए रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो कैसे होता है, और हम उसके यहाँ पे जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, हम उन सब की बात यहाँ पे करने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो बात करते हैं यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन में, अ पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली। अब यहाँ पे हम वर्टिकली के लिए बात कर रहे हैं, ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जो है वो पार्टिकल मूव कर रहा है रेस्ट फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरिंग एज वेलोसिटी। जो मीडियम से आ रहा है ना उसका रेजिस्टेंस जो है वो उस वेलोसिटी से वेरी कर रहा है। सो उस मोशन को हम कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि पार्टिकल जो इस टाइप से नीचे की तरफ आ रहा है, ओके, वो पार्टिकल जो है वो यहां से नीचे की तरफ आ रहा है और यहां पे उसका कोई सरफेस है, ये जो है वो उसका एक सरफेस हो जाएगा, इसको हम ऐसे लेट कर लेते हैं, दिस इज द सरफेस। अब वो आ कहां से रहा है, जहां से आ रहा वहां वी नॉट इज इक्वल टू जीरो है, ओके। तो हम क्या लिख रहे हैं कि यहां से जब नीचे की तरफ जा रहा है तो v इज इक्वल टू जीरो यहां पे होगा, यहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं ग्रेविटी फोर्स, इसमें g g जो है वो नीचे की तरफ होगा, mg यहां पे फोर्स लगेगा, f इज इक्वल टू mg होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, mg पॉजिटिव होगा बिकॉज ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहां से जब हम इसके मोशन की इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, सो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके जो मोशन की इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, मोशन की इक्वेशन हो जाएगी डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो मोशन की इक्वेशन इसमें बन रही है वो डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर हो जाएगी इज इक्वल टू, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एम जी, ओके, दैट इज एम जी माइनस, अब एम जी में से क्या करना पड़ेगा आपको, एम के वी, के कोई कॉन्स्टेंट है और v यहां पे जो ये वेलोसिटी है और उसका यहाँ पे ओके एम के वी हो जाएगा, वेलोसिटी है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जो है वो उसका एक मास है। अब हमको क्या करना है कि इसके लिए वेलोसिटी के फाइंड करना, ओके यहाँ पे भी एम आएगा, तो ये हो जाएगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस के वी, डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहे हैं इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ओके। अब हमको क्या करना है यहां से कि जो इसके लिए वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको इसकी वेलोसिटी और इसके जो इसकी वेलोसिटी एंड इसकी जो डिस्टेंस है उसके बीच में अगर आपको जो इसका रिलेशन है वो फाइंड करना है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी लिखेंगे एंड देन यहां लिखेंगे इसको जी माइनस के वी एंड देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी जी माइनस के वी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी टी, टाइम के साथ में इसका वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास में इंटीग्रेशन करने पे ये हो जाएगा जी लॉग माइनस हो जाएगा, ओके, तो ये हो गया लॉग ऑफ जी माइनस के वी अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ के आ जाएगा एंड देन ये हो जाएगा प्लस सी वन इसके साथ में लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा टी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको टी लैट कर दो, यानी कि अगर मैं कहूँ जी माइनस के वी जो है उसको आप टी लैट करें
तो ये हो जाएगा 0 - k dv इज इक्वल टू डी टी, एंड देन ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू -1 / k dt, और वो पूरा वापस हो जाएगा लॉग। बात वही है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे एट t इज इक्वल टू जीरो, जो है वो v इज इक्वल टू जीरो हो रहा है। t इज इक्वल टू जीरो पे जो है वो v इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, इट मीन्स 1 मिनट। यहाँ पे हम रेस्ट से चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू जीरो होगा और यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे v इज इक्वल टू जीरो होगा बट यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू यहाँ पे जो है वो जीरो, सॉरी ये रेस्ट से इसको थ्रो किया जाता है। तो रेस्ट से थ्रो करना का मतलब v इज इक्वल टू जीरो एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू जीरो और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू जीरो, एंड हमारे पास में इसको c1 का वैल्यू फाइंड करना ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ, ये हो जाएगा g माइनस, ये हो जाएगा log of g और माइनस v की वैल्यू हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे और अपॉन में ये आ जाएगा -k, प्लस क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू जीरो, एंड देन c1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगा अपने पास में log of g अपॉन ये हो जाएगा k, और ये वैल्यू जो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास में आएगी वैल्यू, सो दैट ये हो जाएगा log of g -kv अपॉन क्या हो जाएगा ये -k, प्लस क्या हो जाएगा ये log of g अपॉन ये हो जाएगा k इज इक्वल टू t। तो ये हम इस टाइप से जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो किस में आएगी, हमारे को v और t में रिलेशन बनाएगी। वी कैन राइट एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ये हो जाएगा -kt। ओके, माइनस k को हम कॉमन ले लेंगे और -kt को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में -kt हो जाएगा, एंड -kt लिखने से पहले आपको कुछ इस टाइप से लिखना पड़ेगा, 1 मिनट। वी कैन राइट एज ये आ जाएगा आपके पास में log of, इसको डिवाइड करेंगे या फिर हम इसको लिखेंगे यहाँ पे t इज इक्वल टू log of g अपॉन ये हो जाएगा k, माइनस यहाँ पे आएगा log of g -kv अपॉन ये हो जाएगा k, एंड देन ये हो जाएगा k इंटू टी और ये आ जाएगा log of g अपॉन g -kv, जो log की प्रॉपर्टी होती है उससे, लॉग की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से इसको e की प्रॉपर्टी ले जाएंगे, लॉग हट जाएगा, तो ये हो जाएगा kt इज इक्वल टू जी अपॉन ये हो जाएगा जी माइनस के वी। अब हमको यहाँ पे एक्चुअल में v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v की वैल्यू फाइंड करना है तो v को फ्री करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -kt और ये हो जाएगा जी -kv अपॉन जी, तो ये हो जाएगा जी माइनस सॉरी ई माइनस के टी पावर -kt और ये हो जाएगा 1 - k अपॉन जी इंटू वी। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं, या फिर अगर आप अलग नहीं लिखना चाहें तो इसको इस टाइप से कर सकते हैं, जी कॉमन आ जाएगा, हम इस स्टेप को ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट एज ये जी आ जाएगा इधर जी इंटू ई टू दी पावर -kt इज इक्वल टू जी -kv हो जाएगा, अपने को वी को फ्री करना है ना, इसलिए हो जाएगा जी कॉमन आ जाएगा, तो ई टू दी पावर -kt -1 इज इक्वल टू हो जाएगा -kv। ओके, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा kv पॉजिटिव, अब इस नेगेटिव की तरफ सेंड करेंगे तो ये हो जाएगा, नेगेटिव ट्रांसफर करने पे आ जाएगा अपने पास में kv इज इक्वल टू जी और ये हो जाएगा 1 - e टू द पावर -kt। ओके, एंड देन v इज इक्वल टू हो जाएगा g/k इज इक्वल टू 1 - e टू द पावर ये हो जाएगा -kt। सो दिस इज द रिलेशन, ये किसका रिलेशन आ रहा है, this is the relation, okay, this is the relation between v and t, ये v and t velocity जो है उस particle की उसके बीच में और उसके time period के बीच में एक relation को show कर रहा है, velocity and time period के बीच में। अब हम क्या करते हैं, इस velocity से distance and time period के बीच में जो है value find कर सकते हैं, तो distance and time period के बीच में value find करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सो हम यहाँ पे लिखते हैं, इस वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा dx/dt। ओके, dx/dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा g/k एंड देन 1 - e टू द पावर -kt। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास में जो इसकी वैल्यू है डिस्टेंस की वो हम फाइंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा dx/dt दैट इज इक्वल टू द, ये हो जाएगा g/k और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 - e टू द पावर। ओके, ये हो जाएगा
यहाँ पे 1 - e^(-kt) हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g/k एंड देन 1 - e^(-kt) और इसका t के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो इसका x के रेस्पेक्ट में और इसका t के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आपके पास में x इज इक्वल टू, ओके। अब x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, g/k एंड देन यहां से इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 का हो जाएगा t माइनस e^(+ का हो जाएगा +(-kt) अपॉन नीचे आ जाएगा -k हो जाएगा ना, -k का आ जाएगा प्लस के, तो पॉजिटिव ऑफ के आ जाएगा, ओके। माइनस जो है वो -k e^(-kt) का kt ये रहेगा सेम, माइनस नीचे आएगा -k और माइनस सी हो जाएगा ये पॉजिटिव, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे c2। अभी c2 की वैल्यू फाइंड करना है तो बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करो, t इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि स्टार्टिंग की बात कर रहे हो, ऊपर पीक पॉइंट पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे v इज इक्वल टू जीरो है तो वहां पे x इज इक्वल टू जीरो होगा, तो क्या हो जाएगा, और साथ में t इज इक्वल टू भी जीरो है, ये कौन सी डायरेक्शन है, सॉरी कौन सी जगह पे, जहां पे स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग कह सकते हैं आप, इनिशियल कंडीशन पे कह सकते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा g/k इंटू ये हो जाएगा जीरो प्लस, और आगे आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा e^(, ये सारी वैल्यू जो है वो g/k² में कन्वर्ट हो जाएगी, e^(, यहाँ पर जाएगा जीरो अपॉन ये हो जाएगा k, एंड देन ये हो जाएगा जीरो प्लस आ जाएगा c1 इज इक्वल टू g/k² प्लस ये हो जाएगा c1, ठीक है, e^(, वो हो जाएगी 0 1, जो e^(01 हो गया, तो c1 की जो वैल्यू, सॉरी c2 है ना, c2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास में -g/k², और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में x इज इक्वल टू g/k, और ये हो जाएगा t प्लस e^(-kt) अपॉन ये हो जाएगा k इंटू ओके सॉरी -g/k². तो ये किसमें रिलेशन आया, ये रिलेशन आया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन आया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड t, वो आया था v एंड t के बीच में, ये आ जाएगा x एंड t के बीच में। सिमिलरली अगर हम यहां से इस इक्वेशन का जो हमारे पास में इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास में d2x/dt² इज इक्वल टू g/kv, ओके, ये जो इक्वेशन हम यहाँ से लिखते हुए आ रहे हैं यहाँ से, ओके, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का अगर मैं इस टाइप से dv/dt ने करके सीधा यहाँ पे अगर मैं v और x में वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ इसकी, अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, v dv/dx, हाउ, ये हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू एक्सलरेशन, सो दैट dv/dt को आपको क्या करना है, ऊपर नीचे dx/dx से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, v dv/dx हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट ये क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्सलरेशन इज इक्वल टू g/kv हो जाएगा, एंड देन अब हमको क्या करना है, इधर जो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा v/v/g/kv का आपको v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इधर आ जाएगा dx, तो जिसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको t लैट करेंगे, ओके, इसको क्या करेंगे, t लैट कर लो, y लैट कर लो, तो ये हो जाएगा g/kv इज इक्वल टू को हम t ना लैट करके p लैट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास में जी जो है वो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा -kdv इज इक्वल टू, ये हो गया dp, एंड देन ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू -1/k, ये हो जाएगा dp, सो दैट वी कैन राइट एज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v के प्लेस पे आपको क्या रखना है, v इज इक्वल टू v दैट इज द g/p अपॉन सॉरी g-p अपॉन क्या आ जाएगा, x हो जाएगा, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, g-p अपॉन हमने रख दिया x, नीचे आ जाएगा पूरा p, इसको हमने p लेट किया है, माइनस ये हो जाएगा 1/k इंटू dp इज इक्वल टू ये हो जाएगा x, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1/k²
ओके, वन अपॉन के इंटू, यहाँ पे ये एक्चुअली के होगा ना, सॉरी एक्स लिख दिया हमने यहाँ पे, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज के, दिस इज के, तो के, और ये के जो है वो के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपके पास में इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जी माइनस पी अपॉन पी, और बाहर है हमारे पास में माइनस, और ये हो जाएगा डी पी इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन के स्क्वायर। इसके साथ में आप सी थ्री कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो सी थ्री कॉन्स्टेंट लिखना है आपको। फिर क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन के स्क्वायर, और यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा जी अपॉन पी माइनस वन इंटू क्या कर रहे हैं, डी पी इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये हो जाएगा सी थ्री, और इस माइनस को अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन के स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस जी अपॉन पी इंटू, ये हो जाएगा डी पी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी थ्री। अब क्या करना होगा यहाँ पे, ये जो है हमारे पास में इंटीग्रेशन कर लेंगे सीधा पी के रेस्पेक्ट में, तो वन अपॉन के स्क्वायर, इसका पी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो पी माइनस, ये हो जाएगा जी लॉग ऑफ पी एंड देन इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये हो जाएगा सी थ्री। सो नाउ पी इज इक्वल टू, व्हाट इज पी, पी इज इक्वल टू जी माइनस के वी, हमने यहाँ पे लेट किया है पी इज इक्वल टू जी माइनस के वी। अब उस वैल्यू को वापस यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन के स्क्वायर, और पी की जगह लिख दिया हमने जी माइनस के वी माइनस जी, और यहाँ पे वापस क्या पुट किया, लॉग जी माइनस के वी इंटू क्या हो गया, सॉरी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, हो जाएगा सी थ्री। सो नाउ सी थ्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमने क्या किया, वी इज इक्वल टू जीरो लेट के बाउंड्री कंडीशन में हमने कहा कि भाई पार्टिकल जो स्टार्टिंग बार यहाँ पे जो है वो टी इज इक्वल टू जीरो भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो गया वन अपॉन के स्क्वायर। ओके, वन अपॉन के स्क्वायर होने के बाद में जी माइनस ये के वी जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी लॉग ऑफ जी हो जाएगा, बाकी सब हो जाएंगे जीरो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सी थ्री। अब इस सी थ्री की वैल्यू को आपको इसको मैं पुट करना है, तो वन अपॉन के स्क्वायर को मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा, वन अपॉन के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे क्या होगा जी माइनस के वी, ओके माइनस ये हो जाएगा जी लॉग ऑफ जी माइनस के वी इंटू, सॉरी इसमें से क्या करना, अब इसको ऐड करना है ना, इसको ऐड नहीं करना होगा एक्चुअली, इस सी थ्री को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ओके सी थ्री जब इधर आएगा तो माइनस का होगा, ये सी थ्री इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये होगा माइनस ऑफ जी, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ जी लॉग ऑफ जी, ओके इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स, एंड देन ये जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ के वी माइनस ऑफ जी लॉग ऑफ, ये हो जाएगा जी माइनस के वी प्लस, ये हो जाएगा जी लॉग ऑफ जी, दैट इज इक्वल इनटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ से हमने एक्स और वाई वी में जो है वो वैल्यू फाइंड कर दिया है, सो दैट दिस इज रिलेशन बिटवीन, ये किसका रिलेशन हो जाएगा, दिस इज रिलेशन बिटवीन वी एंड एक्स, हमने वी और एक्स के बीच का जो रिलेशन है वो फाइंड कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे वी आ रहा है इस क्वेश्चन में, वी एंड एक्स का बीच का रिलेशन हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे कि हमने यहाँ पे बस कुछ नहीं का जो इंटीग्रेशन करना है ना, आप किसके रेस्पेक्ट में कर दिया, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, अभी तक हमने टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था दोनों में, यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो हमको वी टी और एक्स टी मिल गया, अब हमने एक्स के रेस्पेक्ट में कर लिया तो वी एक्स, और या उसको एक्स वाई वी एक्स वी या वी एक्स कह सकते हैं, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में आपको रिलेशन मिल सकता है। आई होप आपको रेक्टिलिनर मोशन डाउनवर्ड, जब कोई पार्टिकल नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे कोई पार्टिकल जो है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ आता है, तो उनमें वी टी रिलेशन, उनमें एक्स टी रिलेशन, उनमें वी एक्स रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना काफी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।